इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, वायदा में फिजिकल डिलीवर जरूरी कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। डेरिवेटिव में शेयर शामिल करने के फ्रेमवर्क को दरअसल बदल दिया गया है। एफएनओ में शेयरों के चुनाव के तरीकों को रिव्यू किया गया है। चलिए और जानकारी लेते हैं और खबर को अच्छे से समझते हैं। मेरे से डिम्पी काला स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। डिम्पी बताइए। स्वाति, खबर काफी अहम है। असल में सेबी की जब बैठक हुई थी ना आज से करीब 5 से 6 दिन पहले, तब ये बात निकल के आ रही थी कि डेरिवेटिव मार्केट्स को थोड़ा सा और रेगुलराइज किया जाए। उस समय ये समझ में आ रहा था जब मिस्टर त्यागी ये बात कह रहे थे कि हमारे पास वो सारा डाटा भी आ रहा है जिससे हमको ये पता लग रहा है कि लोग एफएनओ के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करते हैं और इसमें लॉस भी हो रहा है। तो उन्होंने ये कहा था कि जो समझदार लोग हैं जिनको एफएनओ की जानकारी है सिर्फ वही वायदा बाजार में रहें। इसके लिए सेबी के पास कई तरीके थे कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। ये फिजिकल सेटलमेंट को लेकर, पहले तो मैं फिजिकल सेटलमेंट आपको बता दूँ ये क्या है, किसकी रिपोर्ट थी और अब क्या फैसला है। फिजिकल सेटलमेंट का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को शॉर्ट कर रहे हैं यानी कि बेच रहे हैं, शॉर्टिंग मार्केट का टर्म है, बेच रहे हैं, तो वो चीज आपके पास होनी चाहिए, आप उसको फिजिकली दे के पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने किसी का वायदा बेचा या मैंने किसी चीज को पहले, क्योंकि आप शेयर तो बेच ही नहीं सकते, आपका ऑक्शन हो जाएगा, आप फ्यूचर्स के जरिए बिकवाली करते हैं, तो आपने किसी का फ्यूचर बेचा तो आप उसके बदले में क्या देंगे? आप उसके बदले में मार्जिन जो देते हैं वो तो अलग मामला है, वो तो आपको एम टू एम गेन और एम टू एम लॉस में कन्वर्जन होगा। लेकिन बाद में जब ये सेटलमेंट की बारी आएगी तो आपको उस शेयरों की डिलीवरी देनी पड़ेगी, वो शेयर आपके पास होने चाहिए। आप सीधा नेकेड शॉर्ट नहीं कर पाएंगे, आपके पास वो डिलीवरी होनी चाहिए सेटलमेंट के दौरान। ये एक तो मामला है। हालांकि इसकी डेट तो नहीं दी गई है कि कब से इसको लागू किया जाएगा, ये मैंडेटरी कर दिया गया है, चरणबद्ध तरीके से लागू होगा। इसकी डेट्स कुछ एक दिनों में आ जाएगी क्योंकि सेबी का है, सर्कुलर है, बाद में एक्सचेंजेस को भी फिलफिल करना है, क्लाइंट्स को भी बताना पड़ेगा, एचएनआई क्लाइंट्स को बताना पड़ेगा, टिपिकली वहां पे वो काम होता है, इंस्टीट्यूशनल बहुत काम करते हैं। तो ये एक टर्न अराउंड वाली सिचुएशन है क्योंकि आप कामकाज के लिहाज से देखेंगे ना तो एफएनओ के अंदर बहुत काम होता है, इसको थोड़ा रेगुलराइज करने की बात है। ये सुझाव किसने दिया था? ये एलसी गुप्ता साहब की कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने वादा कारोबार को लेकर कुछ सुझाव सेबी को दिए थे। सेबी पहले भी कुछ सुझाव मान चुका है। सेबी का आज का जो सर्कुलर, ये 11 अप्रैल 2018 का सर्कुलर इस समय मेरे हाथ में है, इसमें साफ साफ लिखा है ना केवल फिजिकल डिलीवरी बल्कि शेयरों के चुनाव को लेकर भी, जो कि वादा बाजार में रहेंगे, उसके क्राइटेरिया में भी कुछ एक बदलाव किए गए हैं। इसके कईयों का मार्केट कैपिटल, टर्नअराउंड सिचुएशन उनका, उनके मार्केट वाइड पोजीशंस, इसमें भी कुछ एक बदलाव है। लेकिन ये शायद क्राइटेरिया आपको ज्यादा असर तो नहीं छोड़ेगा क्योंकि तो सिर्फ सिलेक्शन का है, लेकिन जो प्रोसीजर है वो आपके सामने है। अब आपको डिलीवरी के साथ सेटल करना होगा। अब आप इसमें वो शेयरों पर ज्यादा असर पड़ेगा या उन चीजों पर ज्यादा असर पड़ेगा जो कि एक, जिसे हम कहते हैं ना कि वो मैनिपुलेशन के काम रहे हो मार्केट के अंदर, या उसका इस्तेमाल होता हो उस शेयर को तोड़ने में, उसको शॉर्ट करने में, वहां पे अब थोड़ा सा मुश्किल आएगा क्योंकि आपको फिजिकल सेटलमेंट यानी कि उसकी डिलीवरी यानी कि उसके शेयर्स वो आपको सेटल करने होंगे। तो एक तरीका बदल रहा है शॉर्ट करने का, यानी कि बेचने का तरीका सिर्फ बदल रहा है। ये इंपॉर्टेंट भी है, वायदा बाजार में काफी काम भी होता है और रिटेल निवेशकों को इससे फायदा होगा, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए आपको लगता है फैसला लिया गया? हाँ बिल्कुल, ये रिटेल निवेशकों के हितों के ही ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है क्योंकि कोई भी चीज अगर आप उसको प्लस करके बैठे हैं तो एक ना एक दिन ऊपर आ ही जाती है। ज्यादातर ट्रेडर्स प्लस भी करते हैं लेकिन जो शॉर्ट करते हैं उनका थोड़ा जोखिम बढ़ जाता है। इसी तरह से अगर आप कोई ऑप्शंस को भी शॉर्ट करते हैं तो आपको पूरा मार्जिन देना पड़ता है। ये इंडिकेशन पहले से भी थे लेकिन अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये रिटेलर को बचाने के लिए है फैसला, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी और मार्केट के लिहाज से मतलब कैसा कदम आन सकते हैं? मार्केट के लिहाज से तो आप देखेंगे इसके अंदर फर्क तो पड़ेगा, हालांकि इसकी टाइमलाइन नहीं दी गई है कैसे होगा, इसलिए चरणबद्ध तरीके की बात की गई है। इसमें हो सकता है कुछ एक शेयर्स को पहले कैटेगरी में डाला जाए, बाद में कुछ और शेयर्स को कैटेगरी में डाला जाए, कुछ के साथ इस तरह का हो कि टाइमलाइन पहले से बता दी जाए, क्योंकि इंडिया में अभी क्या है सिर्फ 3 ही महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि इस मंथ का, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ, यानी कि इस महीना, अगला महीना और उससे अगला महीना, सिर्फ 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो ये तो बात तय है कि 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के साथ तो रहेंगे, यानी कि 3 महीने वाली टाइमलाइन तो इनके पास रहने वाली क्योंकि सौदे 3ों महीने में खड़े हुए हैं। उसके बाद जो सौदे आने वाले हैं क्या उसमें टाइमलाइन शुरू हो जाएगी, यानी कि आज के 3 महीने बाद, ये नोटिफिकेशन का भी हिस्सा बकाया है जो कि आ जाएगा। एक और चीज है, ये सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, क्या ये 100% सेटलमेंट होगा, यानी कि आपने फ्यूचर शॉर्ट किया है, मान लीजिए उसका 500 का लॉट साइज है, क्या 500 के 500 शेयर मेरे को देने हैं
ये क्या 50% पर आके रुकेगा जोखिम को देखते हुए, ये शेयर की कैटेगरी पे डिसाइड होगा, उसके वॉल्यूम पे डिसाइड होने वाला है, कई सारी चीजें इसमें अभी भी और हमको जैसे डिटेल मिलेगी या नोटिफिकेशंस और आएंगे क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा मामला है और डेरिवेटिव में काम करने के तरीके में बदलाव है, ये मेजर बदलाव है। ये एक्चुअली आप शॉर्ट करने का जो पूरा पैरामीटर सारा मार्केट में, अब तक टिपिकली शॉर्ट्स या तो आप मार्केट में पैसा बनाने के लिए भी करते थे और कई बार हम शॉर्ट पोजीशंस को हेज के लिए भी इस्तेमाल करते थे, अब थोड़ा सा इसके अंदर रेगुलराइज हो जाएगा, रिटेलर कम से कम बड़े शॉर्टिंग से जो फंस सा जाता था उसमें थोड़ा बच जाएगा। और एक और मैं आपको एनालिसिस करके बताऊं, ऑप्शन ट्रेड में टिपिकली ऐसा होता था जो आउट ऑफ मनी कॉल्स हैं, ये मैं ऐसी एग्जांपल के तौर बता सकता हूं, मान लीजिए आज हम 10,400 पर खड़े हैं, 10,811,000 की कॉल और पुट में भी बहुत काम होता है, 10,000 की कॉल पुट में भी काफी काम होता है, इसके अंदर जब भी सेटलमेंट की बात आती है तो बड़े वाइड स्विंग आपको मिलते हैं, वो शायद थोड़े कम हो जाएंगे, उसमें आम निवेशक समझ नहीं पाते, फंस जाते हैं, वो फसन और जो समझ की कमी थोड़ी रहती है वो काफी हद तक सेबी के इस फैसले से पूरी हो सकती है, चरणबद्ध तरीके से लागू होगा, ये सेटलमेंट का मामला है। तो एफएनओ में शेयरों के चुनाव के तरीकों को रिव्यू किया गया, पहले क्या सिस्टम होता था जिसको अब कह रहे हैं कि जिस फ्रेमवर्क में डेरिवेटिव में शेयर शामिल करने के फ्रेमवर्क को बदला जाएगा, पहले क्या सिस्टम होता? नहीं, पहले भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले भी थे इसी सिस्टम को मेंटेन करने के, उसमें कुछ एक चेंजेस में बदलाव किया गया है, लेकिन ये सिर्फ कंपनी के स्क्रूटनी को करेगा फर्क, यानी कि आपके शेयर्स के चुनाव को बात करेगा। इस बीच मेरे साथ टीएस हरिहर जुड़ चुके हैं, हरी शुक्रिया। काफी दिनों से सेबी की नजर ना वायदा बाजार पर थी, सेबी प्रमुख जब बैठक करते थे तो बार बार घूम के वायदा पे ही आते थे, उन्होंने कहा कि ये रेगुलराइज करने की बहुत सख्त जरूरत है, अब ये सेबी का सर्कुलर यह है कि आप फिजिकल सेटलमेंट कीजिएगा, मैंडेटरी होगा, ये अभी डेट नहीं बताई लेकिन बता देंगे, मोटा मोटी हमको जो समझ में आ रहा है कि आप कोई भी पोजीशन शॉर्ट करेंगे आपको उसके अगेंस्ट में डिलीवरी रखनी पड़ेगी, शेयर मैनेज करवाने पड़ेंगे, आपको सेट करना पड़ेगा, आप सिर्फ नेकेड शॉर्ट नहीं कर सकते, पोजीशंस को लास्ट में नहीं करेंगे, इसका कितना फर्क पड़ेगा और ये प्रोसीजर रिटेलर्स को कितना बचाएगा? तीन बातें, पहली बात तो ये है कि ये जो सेबी का रेगुलेशन है ये सिर्फ स्टॉक फ्यूचर्स के लिए है, तो यू नो सेबी का हमेशा एक कंसर्न यही रहा है कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे ये स्टॉक फ्यूचर्स पे स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स काफी हद तक वो पुराने जमाने में बीएसई में जो बदला हुआ करता था उसी के जैसा हो जाता स्टॉक फ्यूचर्स, तो स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, और उनका मानना सही है कि इसको कर्व करने के लिए यू नीड टू पुट सम रेस्ट्रिक्शन, इससे आर्बिट्राइज बिजनेस में कितना फर्क पड़ेगा देखना पड़ेगा, पर मेरा मानना है कि इससे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि अभी जिसे भी फ्यूचर्स बेचना है या तो ही शुड बी हैविंग द स्टॉक या तो ही शुड बी एबल टू गेट द स्टॉक, तो जो स्टॉक लेंडिंग का मैकेनिज्म कभी इंडिया में टेक ऑफ नहीं हुआ ये मेरे ख्याल से इसके कारण टेक ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मेरे को आप सर इतना और बताएं ये हेजर्स को उसको कितना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वो तो काम ही एक्सपायरी पे करते थे, अब तो उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर आपको शेयर लेके बैठे हैं और डिलीवरी नहीं, और डिलीवरी भी T+2 की होगी, क्योंकि डिलीवरी तो डिपेंड में तभी आएगी ना जब आप दो दिन पहले ट्रेड करेंगे, तो ये तो एक्सपायरी का एक्शन बढ़ जाएगा इससे। तो देखिए मेरा जहाँ तक ख्याल है इसका फाइन प्रिंट पढ़ना पड़ेगा, और मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है बाकी देशों में ऐसा होता है कि दे डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्पेक्युलेटिव पोजीशन एंड अ हेज्ड पोजीशन, मिसाल के तौर पे आपके पास कैश का पोजीशन है उसके अगेंस्ट आप स्टॉक फ्यूचर खरीदते हैं तो हेज होता है, आई थिंक उस पर फिजिकल डिलीवरी की जरूरत नहीं पड़ती है, यदि आपके पास फिजिकल पोजीशन नहीं है तभी आई थिंक आपको यू नो नेकेड सेलिंग पे रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए ये रेगुलेशन आया हुआ है। ठीक है हरी, आप एक मिनट मेरे साथ रहिएगा। इस बीच चंदन तापड़िया भी जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल से, चंदन शुक्रिया समय देने के लिए। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? हम तो ये देख रहे हैं कि हाँ इससे रिटेलर को थोड़ा फायदा हो जाएगा, वैसे सेबी का फैसला है ये ना, पहले भी मार्जिन 100% देना पड़ता था, अगर मैं पुट को शॉर्ट कर रहा हूं मैं मंदी को भी बेच रहा हूं तो मैं पहले भी पूरा मार्जिन ही देता था, कह रहे सिर्फ बात मार्जिन की नहीं है अब सेटलमेंट वाला मामला आ गया, वो कह रही है कि फिजिकल सेटलमेंट कीजिए, अगर आपने कोई चीज शॉर्ट की हुई है तो आप अपने शेयर्स ले आइए ना, आप ऐसे शॉर्ट नहीं कर सकते, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं सर? जी देखिए डेरिवेटिव जो मार्केट है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप लॉन्ग या शॉर्ट दोनों ही कर सकते हो, इंडिया में डेरिवेटिव मार्केट का डेवलपमेंट इसी वजह से हुआ है
पहला क्योंकि आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन की वजह से। बट जिस हिसाब से उन्होंने ये सेबी ने जो किया है, हालांकि उन्होंने इन्वेस्टर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए किया है, बट कहने की इसकी वजह से थोड़ा सा वॉल्यूम बाजार में गिर सकता है, क्योंकि मार्केट में देखेंगे ज्यादातर लोग वही व्यक्ति है जो या तो अपने डिलीवरी के साथ में फ्यूचर शॉर्ट करते हैं और या फिर अपने डिलीवरी के साथ में राइटिंग करते हैं। तो जिनके पास डिलीवरी लेने का वो तो कर सकते हैं, बट इसके अलावा जिनके पास कोई सा ऑलरेडी नहीं है उनके लिए बाजार में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, उसकी वजह से थोड़ी सी लिक्विडिटी बाजार में ड्राइव हो सकती है। ठीक है, खैर अभी डेट ही है तो इसलिए लिक्विडिटी का आंकलन करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ ये तरीका जरूर बदल रहा है, ये अपने आप में अहम है फिजिकल सेटलमेंट को लेकर। स्वाति बहुत शुक्रिया डिम्पी इस पूरी खबर पर और डिटेल्स देने के लिए, हमारे एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े थे।